नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको तो याद होगा कि बिहार विधानसभा में पिछले दिनों क्या हुआ था। मंत्री थे नीतीश सरकार के सम्राट चौधरी, उन्होंने उंगली उठा दी थी विधानसभा अध्यक्ष पर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए थे, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी उस वक्त और वो अपने वो चैम्बर में चले गए थे। हम आपको इस घटना की याद दिला रहे हैं इसलिए क्योंकि पप्पू यादव ने याद दिलाई है इस घटना की और जमकर निंदा की है इस घटना की और कहा है कि विधानसभा में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। अब जो है इस तरह की जो घटना हुई, या तो एक मिनट मंत्री को नहीं रहना चाहिए था या फिर स्पीकर को अपना पद छोड़ देना चाहिए था। जिस तरह की घटना घटी विधानसभा के अंदर, पप्पू यादव पूरा भड़के हुए हैं उस घटना को लेकर और कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर अब कैसे कैसे लीडर आ गए हैं, नौसिखुए जो हैं वो MLA बने हुए हैं। तो पप्पू यादव क्या पूरी बात कर रहे हैं पहले सुन लीजिए आप। के लीडर भी संवैधानिक पदों पर है, ठीक है। 75% क्रिमिनल को उन्होंने या 65% टिकट दिया। ये जो लतम जुत्ती गाली गलौज की जो प्रॉपर्टी, पहली बार सदन में ऐसा लगता है कि नव सिखवे MLA मंत्री बने हुए, ना तो जी उनको प्राइवेट मेंबर बिल का पता, ना तो क्वेश्चनर का पता, ना तो क्वेश्चन की गंभीरता का पता, ना तो जीरो आवर का पता, ना तो नियमावली का पता। मुझे तो आश्चर्य है भाई, अभी तक स्पीकर कैसे पदों पर बने हुए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री की पहली घटना है। एक मिनट भी या तो मंत्री को नहीं रहना चाहिए या तो स्पीकर को नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड की पहली घटना, मंत्री चैलेंज दे रहा है, फरिया लोग लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, बिहार के मुद्दों से बिल्कुल डिफरेंट, लगातार निजी हमले, लगातार घटना मिजोरम में घट रही है। मिजोरम में बिहारियों को भगाया जा रहा है। कोई सरकार सूदी लेने वाला नहीं। आज हम CM को चिट्ठी और PM को लिखे हैं, कोई सरकार सूदी लेने वाला नहीं। एक आदिवासी बच्ची का बलात्कार करके जला के तेजाब फेंक दिया गया, मैं अभी जा रहा हूं। पवन गुप्ता को सरेआम गोली मार दी गई और 300 आदमी को जेल भेज दिया वहां की प्रशासन ने, मैं अभी वहां जा रहा हूं। हर सिद्धि, कोई मुद्दा नहीं बनता सदन। सदन गाली गलौज, लत्तम जुत्ता, खाकी बेटी रोटी, लगता ही नहीं कि सदन की कोई वैल्यू है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर क्रिमिनल केसेस के लोग नहीं बैठे, लेकिन सूप बाजे तब बाजे चलियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने की प्रपाटी, हमाम में सब नंगे सदन में, और उसके बाद लगातार वह व्यक्ति हाथ में आईना दिखा रहा है जिसका खुद ही शीशा फटा हुआ हो। विपक्ष भी संवैधानिक पद है और सुशील मोदी जी से आग्रह करेंगे कि कोई पार्टी का अध्यक्ष लालू यादव संवैधानिक पद नहीं है, वह कोई बैठ सकता है किसी पार्टी पर। जॉर्ज भी थे, जया जेटली भी थी, जॉर्ज भी आपके साथ थे, पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। लक्ष्मण बीजेपी के अध्यक्ष पर भी आरोप लगा है लालू यादव, लेकिन संवैधानिक पदों पर यदि राजद में कोई है उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। सच है, सभी ने 55-60% लोगों को, क्रिमिनलों को टिकट दिया। तो सुन लिया, पप्पू यादव ने कहा कि किस तरह से नौसुखीय MLA बने हुए हैं और कोई मंत्री को चैलेंज दे रहा है और तो कोई मंत्री विधायकों को चैलेंज दे रहा है, सब एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं और बिहार के जो मुद्दे हैं उनसे भटक गए हैं।
सरकार भी भटक गई है और विपक्ष भी भटक गया है, तो साथ ही साथ उन्होंने लपेटे में ले लिया विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी, और तेजस्वी यादव के लिए कुछ उन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो अभी थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सुशील मोदी ने ये कहते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया, तो अब पप्पू यादव भी आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति आईना दिखा रहा है सरकार को जिसका खुद शीशा टूटा हुआ है। इस तरह की बात पप्पू यादव ने की है और कहा है कि हमाम में सब नंगे हैं। इस तरह की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि जो आईना दिखाने का काम कर रहा है सरकार को, उसका आईना खुद टूटा हुआ है। यानी तेजस्वी यादव पर भी भड़के हुए हैं, सरकार पर भी भड़के हुए हैं पप्पू यादव, और साफ साफ कह रहे हैं कि जो विधानसभा के अंदर लत्तम जुत्ती और गाली गलौज की परिपाटी पहली बार दिख रही है, पहली बार इस तरह का नज़ारा दिख रहा है कि विधानसभा के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, लत्तम जुत्तम की नौबत आ गई है। पप्पू यादव पूरा भड़के हुए हैं और इसके लिए सरकार को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और विपक्ष को भी। आजकल बता दें आपको कि पप्पू यादव के निशाने पर सरकार के साथ साथ विपक्ष के नेता जो है तेजस्वी यादव भी रहते हैं, सीएम नीतीश हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों को वो पूरी तरह से निशाने पर लेते हैं। तो एक बार फिर निशाने पर लिया है उन्होंने, और विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ, जो पिछले दिनों हुआ, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई, मंत्री सम्राट चौधरी के तरह से जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह का व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं वो शर्मनाक था। और इसकी चर्चा जो चारों तरफ हुई और ये जो विजुअल्स आए और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर एक मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को उंगली दिखाई और मर्यादा का पाठ भी पढ़ा दिया। तो खैर जो भी है, पप्पू यादव बता रहे हैं उस सीन को, याद उस सीन की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में तमाम नौसिखिए लोग आ गए हैं, न सरकार गंभीर है और न ही विपक्ष। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।